आशीष जी, मैं आप सभी का स्वागत है यार। आज सुबह में आपसे बात करने वाला हूँ डीटीयू का फर्स्ट कट ऑफ है उसके बारे में। तो आज सुबह सुबह यार मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, वहाँ पर मैंने काफी इंटरेस्टिंग चीज देखी जो कि यार आपके सामने शो हो रहा होगा कि डीटीयू का जो कट ऑफ लिस्ट है वो निकलने वाला है आज ही। तो यार ये अभी मेंशन नहीं हो पूरी तरह कि आज ही निकलेगा, लेकिन कई जगह पर अनाउंसमेंट हो चुका है तो आई थिंक आज निकलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ST न्यूज़पेपर में उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ जो डीटीयू का जो कट ऑफ है वो आज निकलने वाला है। तो यहाँ पर यार मैं आपको बता दूँ जो न्यूज़पेपर का गाइडलाइन जो भी प्रोसीजर है वो पूरा मेरे पास यहाँ पर है। मैं इसके जो की पॉइंट्स है वो आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आपको काफी मतलब कि हेल्प होगा और आप अपना ओन एंड एवरेज सीट का जो कनेक्शन है वो सारा कुछ आप कैलकुलेट कर पाओगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो यार एक चीज काफी जो चीज निकल के आई काफी दिक्कत वाली वो ये है कि पिछले साल के मुकाबले अभी के पेपर में आपको पता है कि जो CBSE का जो रिजल्ट आया ऑन एन एवरेज लिया है तो 67% बन रहे मतलब एवरेज मिला के। ठीक है, और जो पिछली बार का था वो 64 या 65 का एवरेज बन रहा था। तो यहाँ पर देखो नंबर की बढ़ोतरी हुई है तो आपका जो कट ऑफ है जाहिर सी बात है इंक्रीज होगा। अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़पेपर ही ऑल्सो शोस दैट जो यार आज का कट ऑफ लिस्ट निकलेगी वो काफी ज्यादा इंक्रीज या फिर 0.5 काफी ज्यादा वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि यार 0.5 भी काफी ज्यादा मैटर करता है। क्यों करता है? क्योंकि यार मैं आपको बता देता हूँ कि इस साल जो इनरोलमेंट हुआ है 3.5 लाख बच्चों ने किया है। ठीक है, और पिछले साल से 1 लाख बच्चों ने ज्यादा ही किया है। क्यों किया है? क्योंकि देखो तीन महीने का इसका जो फिलिंग डेट था वो काफी ज्यादा इंक्रीज था। पहले 1 या 2 महीने या फिर 1.5 महीने ही मिलते थे, लेकिन इस बार जो है 3 महीने बच्चों को मिला है ड्यू टू कोविड पैंडेमिक सिचुएशन। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा टाइम मिल गया है तो बंदों ने दबा दब के भर दिया है सारा का सारा जो डीटीयू के लिए अप्लाई कर दिया है। तो 3 लाख यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर आप भी देख लीजिए साइड में शो हो रहा होगा सारा कुछ। यहाँ पर जो है कि 3.5 लाख बच्चों ने अप्लाई कर दिया है और यहाँ पर सीट कितनी है 70,000 है। तो ये काफी कम सीटें और बच्चों ने जो इनरोलमेंट किया वो काफी ज्यादा किया है। तो यहाँ पर 0.5 भी इंक्रीज हो रहा है तो काफी ज्यादा हो रहा है। और यहाँ पर यार कई जगह यहाँ पर मैं पढ़ा न्यूज़पेपर की सारी चीजें तो काफी देख के ये शो हो रहा है कि जो आपका परसेंटेज इस बार जो कट ऑफ की जो लिस्ट में आप देखोगे तो कट ऑफ गई है काफी ज्यादा हाई गई है। यानी कि यार कई जगह मैं देख रहा हूँ कई कॉलेज जो अंडर आते हैं DTU के वो 99 पे ही अपनी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट निकाल ले। तो यार ये थोड़ा मेजर फैक्टर बन सकता है क्योंकि इस बार काफी बच्चों के काफी बढ़िया नंबर आ रहे हैं कई बंदों के मतलब उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया। तो लेकिन यार तब भी आप अपने एक्सपेक्टेशन में टूटने मत देना और आप मतलब कि लगे रहना और लास्ट राउंड तक आप चलना। और यार इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं एक पावरफुल टिप दूंगा जो कि आपको हेल्प करेगी, अभी तक आपने उस चीज को फॉलो नहीं किया तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहना जिससे कि आपको काफी मतलब हेल्प होगी इस चीज से। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं जो यहाँ के जो डीन है उन्होंने बता दिया है कि आज ही रात तक या फिर इवनिंग टाइम तक जो कट ऑफ लिस्ट है पहली रिलीज हो जाएगी। और थोड़ा सा हिंट ये भी दिया गया है यहाँ पर कि आपका जो कट ऑफ सेकेंड कट ऑफ लिस्ट निकलेगी वो 19 अक्टूबर को निकलेगी। यहाँ पर मेरे को एक चीज काफी बढ़िया पॉलिसी नजर आई है DTU की, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी मेनली अ टाइम। तो यार यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पहले आएगा वही उसको मिलेगा, ऐसा कुछ यहाँ पर DTU ने नहीं बोला है। उन्होंने ये बोला है कि जो उनके क्राइटेरियम फुलफिल होगा या फिर 99% में 100 बच्चे आ गए सीट 17 की है तो वो उनके लिए फुलफिल की जाएगी। ठीक है, तो ये काफी बढ़िया चीज है कि जो उन्होंने क्राइटेरिया निकाल रखा है उसमें अगर आप फुलफिल हो रहे हो तो आपको मिलेगा वो चीज। ठीक है, ये नहीं है कि आप पहले चले गए कॉलेज आपने एडमिशन करवा लिया और वही ग्रेड का बच्चा बाद में जा रहा है आपसे तो लेट जा रहा है थोड़ा सा तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन किया है यहाँ पर। जो मतलब कि क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, एलिजिबल हो रहा है कॉलेज में जाने के लिए, जो मार्क्स सारा कुछ फुलफिल कर रहा है तो वो यार बिल्कुल जा पाएगा वहां पर। और मैं आपको एक चीज और बता दूं जो यहाँ पर देखने को मिला है, कॉलेजेस में यार 100% गई है, मतलब कि कई कॉलेज की जो मांग है वो 100 की है। अगर 100 स्कोर कर रहे हो आप तो तभी आप मतलब कि उसमें एलिजिबल हो। और यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि इस साल जो आपका फॉर्म फिलिंग है काफी ज्यादा हाई रेट पे है तो यार इसी वजह से आपका जो कट ऑफ है काफी हाई जा सकती है। और यार जो वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि आपसे एक टिप शेयर करने वाला हूँ वो टिप ये है कि अगर आपने अभी तक कोई कॉलेज अपना डिसाइड नहीं किया है, देखिए यार ये वाली जो हायर लेवल वाली चीज हो गई, ठीक है, अगर आपने पीछे अभी तक कुछ पकड़ के नहीं रखा है जैसे कि पिछले कॉलेज या फिर कोई सी कॉलेज में आपने अप्लाई नहीं किया है तो यार यहाँ पर आपने थोड़ी सी गलती कर दी। क्योंकि देखो यार
अभी के टाइम पे क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला होता है, ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का या फिर एमएसटी स्टार्ट होने वाले होते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है। अभी तक आपने अभी कॉलेज ही डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि देखो यार जो आईआईटीज हो गए, एनआईटीज हो गए, डीटीयू के कॉलेज हो गए, इसमें क्या है कि पढ़ाई आपकी लास्ट में स्टार्ट होती है। सबसे लास्ट एडमिशन जो प्रोसेस होता है वो इन्हीं कॉलेज का होता है, बाकी अभी तक सारे कॉलेज में सीट फुलफिल हो जाती है। तो अगर अभी तक आपने नहीं करवाया तो यार काफी बड़ी गलती कर दी है आपने। अगर आपका गोल है प्राइवेट में तो प्राइवेट में तो यार साल में कभी भी जाके आप करवा सकते हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट में आप जाने की सोच रहे हो तो अभी भी आपके पास 10-15 दिन है, उसके बाद आप अपने अप्लाई करने के सोचोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये बात थोड़ा यार जो कॉलेज में जा रहे हो बंदे उनको ज्यादा पता होती है एज कम्पेयर टू जो अभी अंडर ग्रेजुएट बनते हैं, ठीक है, तो उनके थोड़ा सा समझ में ये कम आती है। अगर आप वही 1-2 साल इन्वेस्ट कर दोगे कॉलेज में तो सारा कुछ आपको पता चल जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक कोई सा भी कॉलेज रेफर नहीं किया है तो प्लीज यार आप अपना कोई सा कॉलेज, एक सस्ता सा कॉलेज कोई देख लें आप, बाकी उसके बाद ये फुलफिल करें। अगर आपका गोल है नेक्स्ट टाइम का तो आप उसके लिए बिल्कुल सही हो कि आप अप्लाई करते हो और लास्ट तक, उसके बाद आप मतलब कि अगले साल आपको ट्राई करना है तो आप जा सकते हो उसके लिए। तो आई थिंक यार आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और यार कमेंट जरूर कर देना कैसी लगी आपको वीडियो। यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।